छत्तीसगढ़ राज्य में इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। दरअसल यह मामला कुकदुर थाना क्षेत्र का है, जहां मतदाता पर्ची बांटने लगाए पंडाल में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कांग्रेसी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बैगा बाहुल क्षेत्र चियाडाड़ मतदान केंद्र से 100 मीटर पहले हाईटेंशन के नीचे कांग्रेस पार्टी ने पंडाल लगाया था। इसी दौरान हाईटेंशन के चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कवर्धा से प्रहलाद साहू की रिपोर्ट।